अब तक आपने देखा नंद के सत्य का पता लगाने हेतु वृषभानु नंद के वस्त्र ले ऋषि गर्गाचार्य के आश्रम जाते हैं, किंतु मार्ग में राहु उन पर विषैले सर्प दंश का प्रहार करता है। दामोदर काका कान्हा को बताते हैं कि नंद बाबा ग्वाल बालों और गौवंश की जानकारी लाए हैं। जैसे ही कान्हा गोकुल वासियों के मध्य पहुँचते हैं, नंद रूप धारण किया राहु सबको बताता है अब आगे। यदि आप लोग जानना चाहते हैं तो सुनिए, हमारे ग्वाल बाल और हमारी गायों को कंस के असुर आगासुर निकल गया, आगासुर निकल गया। आकर एक विशाल सर्प जिसका नाम आगासुर है, वो दो दिन पहले गोकुल में आया था और हमारे गोकुल के सारे ग्वाल बाल और गायों को निकल गया। हम हमारे बच्चों को कोई नहीं लौटा सकता, अब इसका एक ही अर्थ है, मृत्यु। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता नंद बाबा। नहीं, हम हमारे बच्चे के बगैर जीवित नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। काकी, आप साईं को संभालिए। काकी, आगासुर के उदर में कोई भी प्राणी 5 दिन से अधिक जीवित नहीं रह सकता। अब केवल 3 दिन ही शेष हैं। देखता हूं अब कौन रक्षा करता है गोकुल के ग्वाल बालों और उनके गायों की। अपने आंसू बचा कर रखो गोकुल वासियों, 3 दिन बाद आने वाली अमावस्या को काम आएंगे, क्योंकि अब चक्रधारी विष्णु भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आंखें खुलो वत्स, नारायण की कृपा से तुम्हारा जीवन अब संकट से बाहर है। आंखें खुलो वत्स। चिंता मत कीजिए काकी, मेरे सकाओ को कुछ नहीं होगा। काकी, बाबा आपको ये कैसे पता चला कि हमारी गई हो और ग्वाल बालों को आगासुर निकल गया है? कैसे पता चला का क्या अर्थ है कारण? तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है कि मैं सत्य बोल रहा हूँ? मैं ये नहीं कह रहा बाबा, किंतु आपने ऐसा करते हुए आगासुर को अपनी आंखों से देखा है? काना, तुम और तुम्हारे प्रश्न, यदि मैं वहाँ होता तो आगासुर को ऐसा करने देता? वही तो मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ बाबा। जब आपने आगासुर को ऐसे करते हुए नहीं देखा तो आपको इतना बड़ा रहस्य कैसे ज्ञात हुआ? क्या आगासुर ने आपको बताया? काना, तुम कैसी बातें कर रहे हो? आगासुर मेरा कोई मित्र है जो मुझे अपनी सारी सच्चाई बताएगा। तो फिर किसने बताया आपको आगासुर के रहस्य के बारे में? क्या स्वयं महाराज कंस ने?
यशोदा, तुम भी कान्हा की बातों में आ गई, क्या हो क्या गया है तुम लोगों को? वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हो गया है आपको? क्या आप हमारे शुभचिंतक हैं या फिर महाराज कंस के? यशोदा, अब तुम अपनी सारी सीमाओं का उल्लंघन कर रही हो। नंद जी, क्रोध करने से सत्य नहीं छुपता। अब तू बाहर आ जाता है, क्योंकि जिस नंद जी को हम जानते हैं वो कभी इस प्रकार क्रोध नहीं करते। यशोदा, मैं पहले इतने तनाव में हूँ और तुम इस प्रकार की उलझी उलझी बातें कर रही हो। नंद जी, मैं भली भांति जानती कि आप हमें कभी सत्य नहीं बताएंगे, किंतु मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। सत्य प्रकट होने का मार्ग स्वयं ढूंढ लेता है। मैया, मुझे नहीं पता ये सत्य क्या है, किंतु मेरा विश्वास कहता है कि हमारे ग्वाल बाल और गैया अवश्य वापस लौटेंगी, इसलिए मैं उनका पता लगाने जा रहा हूँ। हाँ लल्ला, अवश्य जा। एक तू ही तो है जिस पे मुझे पूर्ण विश्वास है। जा लल्ला, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ। काना, तुम्हें जो भी करना है शीघ्र करो, क्योंकि अगासुर के अध्ययन में कोई भी ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। कहीं ऐसा ना हो जाए कि महाराज कंस की कंसवाणी सत्य हो जाए। एक बार मैं अपने सखाओं को खोज लूं, उसके बाद आपका सत्य मैं पता लगाऊंगा, क्योंकि मेरे बाबा कभी भी ऐसी बातें नहीं कर सकते। चलो दाऊ, चलो। कान्हा, यदि तुमने अपने सखाओं को बचा लिया तो तुम विष्णु के अवतार, अन्यथा अमावस्या की काली रात। नारायण नारायण। प्रभु, जो मैया यशोदा नंदलाल को एक क्षण के लिए भी स्वयं से दूर नहीं जाने देती थी, आज वो उन्हें ग्वाल बालों के संकट को दूर करने के लिए अघासुर के पास भेज रही है। ये कैसे संभव हुआ प्रभु? मैया यशोदा में इतना परिवर्तन, नंदलाल पे उनका इतना विश्वास। नारायण नारायण। देवऋषि, मैया यशोदा का ये विश्वास नंदलाल के प्रति नहीं अपितु स्वयं के प्रति है, और उनका ये विश्वास आज से नहीं अपितु तब से है जब कान्हा का जन्म भी नहीं हुआ था। नारायण नारायण। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। देवऋषि, ये मैया यशोदा का वह आत्मविश्वास है जिसके बल पर उन्होंने 8 वर्षों तक निराहार रहकर मेरी तपस्या की थी, इस विश्वास के साथ कि उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। देवऋषि, मैया यशोदा के भाग्य में संतान ना होते हुए भी केवल उनके विश्वास के कारण उनके यहां नंदलाल का जन्म हुआ। मैं समझ गया प्रभु, सत्य वचन। नारायण नारायण। नंद, मात्र 2 दिन शेष है अमावस्या को और तुम सो रहे हो। 2 दिन में तुम्हारे सभी ग्वाल बाल और गैया अघासुर के उदर में मौत को प्राप्त हो जाएंगे और तुम सो रहे हो। महाराज, वो ग्वाल बाल आपकी प्रजा है महाराज, उनके साथ ऐसा अनर्थ मत कीजिए। यह धर्म मैंने नहीं किया है, यह धर्म स्वयं उन्होंने किया है भगवान कंस का विरोध करके। महाराज, उनकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, अब मुझे जाने दीजिए, उनकी रक्षा के लिए मुझे जाने दीजिए महाराज। नंद, मैं यही तो तुम्हें समझाने आया हूँ, ब्रजवासियों को जब सबसे अधिक आवश्यकता होगी तुम्हारी, तभी मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, नहीं समझे? मैं समझाता हूँ, मैंने तुम्हें इसलिए रखा है कि जब उन ग्वाल बालों की मृत्यु होगी, कोई तो चाहिए ना उन्हें मुखाग्नि देने के लिए। इसलिए 2 दिन पश्चात जब उनकी मृत्यु होगी, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। ऐसा मत कीजिए महाराज, कृपया करके ऐसा मत कीजिए। दाऊ, हमारे पास केवल 2 दिवसीय शेष बचे हैं। दाऊ, हमें अपने सखाओं की भी रक्षा करनी है और उस अगस्त्य को भी ढूंढना है।
तुम सत्य कह रहे हो कान्हा, अमावस्या से पहले हमें सभी ग्वाल बालों को वापस लेकर आना ही होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा कान्हा। जाओ, अभी तक चीनी हमें तगातर तक ले जा सकता है। दाऊ, बस हमें इसके अंत तक पहुंचना होगा। चलिए दाऊ। मैया का वचन निभाने चले हैं कान्हा सखा बचाने। बड़ा कठिन ये धर्म कपत है, उस पर मानवता की शपथ है, पर विश्वास है परमेश्वर पर, अहित न होवे सत्य से चलकर। आस बंधी है नंद कुंवर से पार उतार। कान्हा, ये क्षण तो यहाँ आकर समाप्त हो गया, और यमुना के जल पर तो कोई चीज बनता नहीं। अब हम उस अगासुर को आगे कैसे खोजेंगे कान्हा? दाऊ, हमें यहाँ से आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हो ना हो अगासुर यमुना के भीतर ही गया है। यमुना के भीतर? ये तो मैंने सोचा ही नहीं कान्हा। दाऊ, वो सगासुर तक पहुँचने का एक ही मार्ग है, हमें यमुना के भीतर जाना होगा। यमुना के भीतर? किंतु कान्हा, मैंने तो केवल मुगल चलाना सीखा है, तैरना नहीं। आप उसकी चिंता मत कीजिए दाऊ, मैं जाऊंगा यमुना के भीतर। तुम? किंतु कान्हा, यमुना तो कितनी बड़ी है, और अगासुर पूरी यमुना में पता नहीं कहाँ छुपा होगा। उसे ढूंढने के लिए तो तुम्हें बहुत देर जल के भीतर रहना होगा, तो बिना प्राण वायु के तुम कैसे? दाऊ, आपको पता नहीं, मैं उस नछड़ी के कहने पर मैं सुंदरवन के सरोवर में डूब कर देर देर तक उसके लिए कमल पुष्प ढूंढता रहता हूँ। आप चिंता मत कीजिए दाऊ, मुझे जल में रहने का अभ्यास है। मैं भाग गया और अभी आया। किंतु कान्हा, ये कोई सुंदरवन का सरोवर नहीं, यमुना है यमुना। देखो, यहाँ से वहाँ। ये कान्हा भी ना मेरे बड़े होने का कोई लाभ ही नहीं उठाता। नारायण नारायण। प्रभु, क्या नंदलाल को अपनी दिव्य शक्तियों का आभास हो गया है? अन्यथा वो इतने अधिक समय तक जल में कैसे रह सकते हैं प्रभु? यह आपकी कैसी लीला है प्रभु? देव ऋषि, सभी जीवों में आपके प्रभु का ही तो वास है, संसार की रक्षा करने के लिए। सत्युग में प्रभु ने स्वयं मत्स्य अवतार धारण किया था। आज भले ही नंदलाल अपनी उन शक्तियों से अनभिज्ञ हैं, किंतु जल ही उनका निवास है। शीर सागर में रहने वाले नारायण को भला यमुना से कैसा भय? नारायण नारायण, आपने सत्य कहा माते। मैं समझ गया माते, मैं समझ गया। ये अगासुर जहां का सकता है? अगासुर है। ये तो मेरे शिखाओं का स्वर है। जीवक, अब तो हम श्वास भी नहीं ले पा रहे। सखा जीवक, पता नहीं कौन सा स्थान है। ये ये कौन हंस रहा है? सामने आओ। ब्रज के ग्वाल बालों, तुम्हारे सामने आने के लिए मुझे तुम सबको पहले अपने उधर से बाहर निकालना होगा। उधर? ये तुम क्या कह रहे हो? हम तुम्हारे उधर में, कौन हो तुम? इस समय तुम लोग अगासुर के उधर में हो, और तुम्हारे पास यहाँ से बाहर निकलने का एक ही मार्ग है, और वो है
तुम्हारी मृत्यु। मृत्यु? अब हम लोग क्या करेंगे? अगासुर, हमें सिर्फ हमारी मृत्यु से एक ही व्यक्ति बचा सकता है, वो है हमारा सगा कान्हा। कान्हा, हमें बचाओ! हमारी रक्षा करो! मेरी सभी सखा मुझे पुकार रहे हैं, इसका अर्थ है कि सभी ग्वाल बाल अगासुर के उदर में जीवित हैं, किंतु उन्हें अगासुर के उदर से बाहर लाने के लिए मुझे सबसे पहले अगासुर को यमुना से बाहर लाना होगा। अगासुर, तुम कितने ही प्रयास क्यों ना कर लो, किंतु मैं तुम्हें अपने सखाओं का एक नहीं करने दूंगा। अमावस्या से पहले मैं सभी ग्वाल बालों को तुम्हारे उधर से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। अगासुर, अमावस्या से पहले की काली रात है। आज से संपूर्ण ब्रजवासियों के जीवन में अंधेरा छाना आरंभ हो जाएगा। एक रात की बात है, उसके बाद अंधेरा ही अंधेरा, मृत्यु ही मृत्यु। हे हरि, तुझसे आस बंधी है, तूने ही सबकी लाज रखी है, मन का संयम टूट न जाए। बच्चों की आवाज है। नारायण ने हमारी सुन ली, लगता है हमारे बच्चे लौट आए। नारायण ने सुन ली, सुन ली बात की। चलो 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 चलो। भैया, अरे अरे गाओ, अरे भैया, हमारा बच्चे कहां गए? हम आ गए बाबा। ब्रजवासियों, तुम लोग वहीं जा रहे हो राहु, जहां तुम्हें पहुंचाना चाहता है। प्रातः से रात्रि हो गई और कान्हा अब तक नहीं आया, कहीं वो किसी संकट में तो नहीं? किंतु भूल मेरी है, मुझे उसे यमुना में अकेले जाने ही नहीं देना चाहिए था। किंतु वो मेरी सुनता भी तो नहीं है, और पता नहीं क्यों मैं उसकी प्रत्येक बात स्वीकार कर लेता हूँ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं उसका बड़ा भाई नहीं, अभी तो वो मेरा बड़ा भाई है। एक बार बस्ती कान्हा सुरक्षित लौटा है, इसके बाद मैं उसे कहीं भी अकेले नहीं जाने दूंगा। उसे भी इस बार मैं बता कर रहूंगा कि मैं हूँ उसका बड़ा भाई, वो नहीं।